भारत में फिल्मी युग को आज 100 साल से भी ज्यादा हो चुके हैं। पूरे विश्व में भारत सबसे ज्यादा फिल्में बनाने में शीर्ष पर है, पर वक्त के चलते पहिए और तकनीक की बाजीगरी ने सिल्वर स्क्रीन को बड़े कायदे से घिसा है। आजकल ज्यादातर फिल्में महज बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर ही सिमट कर रह जाती हैं। उनमें ना तो कोई संदेश होता और ना ही वास्तविकता से कोई मेल। फिल्में समाज का दर्पण होती हैं। फिल्में अच्छे बुरे का फर्क समझाती हैं। फिल्में भारतीय संस्कृति की पहचान कराती हैं। फिल्में नए मापदंड तैयार करती हैं। उन दिनों में हीरो थे, नायक नहीं। उन दिनों में एक्टिंग करते थे, ओवर एक्टिंग नहीं। उन दिनों में उद्देश्य होते थे, मनमानी नहीं। उन दिनों में गाने होते थे, बेगाने नहीं। आजकल की फिल्मों का समाज से कनेक्शन नहीं होता। फिल्में आजकल मनोरंजन को प्राथमिकता देकर बन रही हैं। आजकल वीकेंड कलेक्शन और क्रिटिक्स रेटिंग पर फिल्में बोल रही हैं। कुछ मुद्दे सिल्वर स्क्रीन की आस लगाए दम तोड़ रहे हैं। क्या ग्रैंड मस्ती और दिलेर वेली ये भी कोई फिल्म है? क्या गुजारिश और सत्याग्रह ये सब फिल्में नहीं? क्या गानों को रिमिक्स बनाने से उसकी वैल्यू बढ़ जाती है? क्या निर्माता और निर्देशक सफल फिल्मों के मायने भूल गए हैं? फिल्में अच्छी वो होती हैं जिनमें अच्छी स्क्रिप्ट हो। फिल्में अच्छी वो होती हैं जिनमें दमदार अभिनय हो। फिल्में अच्छी वो होती हैं जिनमें उम्दा संगीत हो। फिल्में अच्छी वो होती हैं जिनमें एक अच्छी सोच हो। इंक्लूड फाइनेस्ट क्रू मेंबर, एड हर टचिंग सॉन्ग्स, पिक माइंड ब्लोइंग डायलॉग्स, टेक थीम, रन स्क्रीन प्ले, एंड द बिगेस्ट ब्लॉकबस्टर इज रेडी इन योर कैमरा रील।